सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी, धमाकेदार और बहुत मतलब खूबसूरत होने वाली है। इसके पीछे क्या कारण है, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देखा है कि हमने एक चिकन की जान बचाई है और वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली हमारा पेट बन चुका है वो। सो उसके पीछे क्या रीजन था, इस सिचुएशन में हम कैसे लैंड हुए कि हमने एक चिकन जो था वो पाल लिया, वो हमारा पेट बन चुका। आज से 10 दिन पहले ये बात शुरू होती है कि जैसे हम अपने डॉग्स को चिकन खिलाते हैं, क्योंकि भाई वो कार्निवोर्स एनिमल्स है और उसमें उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है, और उनका नेचुरल खाना भी वही है। सो इस वजह से हम उनको वो देते हैं। तो हमारा जहाँ से सप्लाई आती थी, सो वहाँ से सप्लाई एक दिन आई और आसमा जो हमारा फार्म का केयर टेकर है, उसने पापा को कहा कि साहब जी मेरे लिए भी एक चिकन ला देना। सो बिल्कुल सिंपल एंड सॉर्टेड चीज थी ये। आसमा कहता कि साहब जी पर जिंदा मुर्गा ले गया ना, तो क्योंकि हमारा मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है, उनका पोल्ट्री फार्म है, तो पापा वहाँ गए हुए थे गांव में, हमारे गांव में। सो वहाँ बैठे थे तो वहाँ से एक मुर्गा पापा ले आए, चिकन अपनी कार में बिठा के ले आए और लेके आ गए तो फार्म पे बैठे थे, दे दिया। और इस सब सिचुएशन का मेरे को, मम्मी को या मानू को किसी को नहीं पता। सो पापा घर पे आ गए, चिकन फार्म में आसमा को दे के पापा घर पे आ गए अपने। शाम को मेरे को जाना था तो पापा ने बता दिया मेरे को कि ऐसे ऐसे उन्होंने ना एक फीडबैक वीडियो बनाई थी, पेट डाइवर्सिटी चैनल पे डलनी है वो वीडियो। सो आप लोगों को नहीं पता, पेट डाइवर्सिटी चैनल भी है हमारा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको हमारे जो फार्म की अपडेट है, जो पेट डाइवर्सिटी फार्म है हमारा, उसकी अपडेट सारी उस चैनल पे मिलेगी। तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। सो वापिस इस टॉपिक पे आ जाते हैं। सो मैंने वो फीडबैक वीडियो में देखा कि पीछे एक छोटा सा चिकन ऐसे ऐसे घूम रहा है। सो मैंने पूछा पापा जी ये कहाँ से आ गया, तो पापा कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने आसमा को दे दिया। मैं कहा ठीक है। सो फिर मैं गया शाम को फार्म पे, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन चलते हैं तो मुझे देखना पड़ता है, तो मैं गया वहाँ पे। तो मैंने देखा यार कि छोटा सा चिकन वहाँ जो अपना प्लेइंग एरिया है डॉग्स का, उसमें बिठा रखा है, तो वो बैठा है। फिर मैं गेट से अंदर गया, जाते ही मैंने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा चिकन बैठा है। तो मुझे मतलब मैं जानवरों के लिए तो मतलब हद से ज़्यादा प्यार है मेरे अंदर, तो मैं एनिमल लवर तो हद से ज़्यादा हूँ भाई। सो और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चिकन है या वो इवन वो चूहा भी हो ना, और उसको मैं दो तीन दिन रख लूँ अपने पास, तो मुझे उससे भी प्यार हो जाता है। सो यही सीन था। तो फिर मैं गया, मैंने देखा कि वो चिकन कैसे बाहर ना, बेला और लकी की ना ट्रेनिंग चल रही थी। सो बेला की ट्रेनिंग हो चुकी थी, वो मस्ती मार रही थी, मिट्टी में खेल रही थी, और लकी की ट्रेनिंग चल रही थी उस टाइम। तो भाई तो देखा मैंने अपना जो चिकन है वो यार लकी और को देख रहा है खेलते हुए, और वो डर भी नहीं रहा था डॉग से बिल्कुल भी। सो फिर मैंने बात करी, फिर आसमा कहता कि ना, मैंने कह रहा है आसमा तूने खाया हुआ नहीं ये, तो मैंने ऐसे ये स्लैंग में बोला, तो मैं कहता तूने खाया नहीं है ये, बना लेता। तो वो कहता नहीं साहब जी, वो कहता कि मैं अभी इसको 10-15 दिन इसको अच्छा खिलाऊंगा, फिर मोटा होएगा, फिर भाई पता है क्या हुआ यार दोस्तों, प्रैक्टिकल सिचुएशन में होते हैं बंदे की भाई हाँ ठीक है, ये जो चिकन होते हैं ये पोल्ट्री फार्म में होते ही इसलिए है कि ये बड़ा करे और इनको लोग कंज्यूम करें, ठीक है। बट अगर कोई चीज आधे घंटे भी मेरे साथ रह जाए ना, तो मेरा मन बदल जाता है भाई, मैं नहीं कर सकता ये। और ये चीज तो बिल्कुल नहीं कर सकता कि उसको खिलाओ और उसके बाद फिर उसको खा जाओ। सो भाई मेरे दिमाग मेरा एकदम से अजीब सा फील हो गया मुझे। तो मैंने आसमा को कहा भाई आसमा देख, ये जो चिकन है ये अब यहाँ ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होना, ना तूने इसको खाना, चाहे कुछ हो जाए, अगर इसको कुछ हो गया तो जबान वाली बात है, ये अब हमारे पास ही रहेगा अपनी पूरी उम्र भर। क्योंकि दोस्तों सोच के देखो, वो पैदा ही इस वजह से हुआ था, पोल्ट्री फार्म में था, आया भी इस वजह से था कि उसकी मौत होगी, बट नहीं, सिचुएशन ऐसी बनी, मेरा यूं हो गया कि नहीं यार इसको पाल के इसको बढ़िया खिलाएंगे और फिर ये बड़ा होगा और फिर इसको कंज्यूम कर जाएंगे। तो मैं कहा ना ये चीज सही नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसको मना कर दिया। और मैंने उसको आगे, फिर आप एक बार वीडियो देखो, मैंने उसको पैसे भी ऑफर करे, खिलाएंगे इसको, फिर बनाएगा है? अभी नहीं काटेगा, कितने दिन बाद करेगा? एक हफ्ता पड़ जाएगा। इधर आ, इसको नहीं काटना,
अगले पैसे अपना मीट ले आइयो, 100 रुपया। हाँ इसको नहीं काटना, 100 रुपया होगा। एक आधा किलो तो आ जाएगा तेरा। नहीं आधा है। क्यों? एक किलो पड़ेगा भाई। ये किलो का? एक किलो का। अरे मुर्गा तो मेरा ही है यो। अरे हाँ तो मुर्गा मेरा ही है, फिर भी तेरे को ये तो दे दिया है, अपना आधा किलो लिया ही हो। बात पता क्या आसमा, इसने 2 दिन खाएंगे। बात पता क्या है, जिंदा चीज है, इसको खुआएंगे तैयार करेंगे, इसके साथ तो एक दिन भी रह जू तो ये मन बन जाता है, इसकी सेवा करेंगे पापा। ठीक है, अभी लिया आधा किलो तेरा, अभी लिया ही हो, फिर कभी मेरा जी कर गया फिर दे दूंगा तेरे को 100 रुपये। ठीक है ठीक है, सुन इधर आ। ठीक है, अभी इसकी अपन ने सेवा करनी है, भगवान ऊपर वाला देख रहा है। हैं पक्की? अपने 160-170 रुपये किलो आता है, 180 आता है, तो तेरा एक किलो से तो आधा किलो से तो ऊपर आ जाएगा है। ठीक है, एक काम कर, 80 रुपये भी दे दूंगा कल तेरे को, 2 किलो आ गया तेरा। ठीक है, अब मन खुश हो गया। अब पर इसकी सेवा करनी है अपन ने। ठीक है, जो चावल इनके आ रहे हैं उसमें से ही डाल दे अगर कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा उसमें में से ले आइए। किस में से? मक्के के दाने। वो भी ला देंगे जी। सब अब इसकी सेवा करेंगे, साफ सुथरा रख के इसको नुवाई हो, थोड़ा गंदा हो रहा है ना, साफ सुथरा कर लियो। और देख कहते पीछे से बना दे है, पीछे से ना बना दियो मेरे। अब इसकी सेवा करेंगे, अब बताऊ क्यों, मेरा मन हो गया यार बेचारा, इसका भी जीने का मौका दे दे वहां है। बड़े काटना नहीं है इसे, इसके नहीं काटना, जिंदगी भर नहीं, जिंदगी भर जब तक ये रहेगा यहाँ पे, खुद अगर इसकी खुद की मौत होती है ना तब बाद की बात है, इसकी जिंदगी भर यहाँ रहेगा ये। ठीक है, तेरे को 2 अभी 1 किलो का है, तेरे को 2 किलो के पैसे दे दिए। ठीक है, 2 तू 4 दिन खाई है जैब। ठीक है, खुश है, सुने काटना नहीं है और पूरी सेवा करनी है पूरी उम्र भर। मक्के का दाना ला देंगे इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं, वो ला देंगे। ठीक है, पानी रख देंगे और उसका डाल देंगे अपना। ठीक है ना, खुश है तू? 80 रुपये तेरे को सुबह बाबूजी दे देंगे, सही रहेगा ये, खुश रह जाएगा यहाँ पे घास में खुल। ये देख लियो कभी उड़ के बाहर ना बाज जाए, उड़ता नहीं है क्या? चल वो तू देख लियो जैसे भी है, बाहर ना जाने दियो, या कीड़े मकोड़े खाता रहेगा थोड़ा बहुत है ना, इसका जिंदगी भर इसका भी मौका सही है, नहीं तो पता नहीं कहाँ कटता ये है ना, इसको भी जीने का मौका दे दे वहां। ठीक है ना, खुश है क्या? ठीक है। क्या नाम रखे इसका बता? इसका नाम है, नाम सोच इसका, अच्छा नाम रखते है, इसको मौका दे दिया जीने का। ठीक है, ये इसमें ही रह जाएगा, जब डॉग्स आए कुत्ते बाहर आए तब इसमें कर दे, नहीं खुला घूमता रहेगा है ना। बट मैंने उसको आगे से पैसे दिए, मैं कहता तू कुछ और खा लियो भाई, बट ये नहीं रहेगा, तो कहता ठीक है साहब जी बड़ा करेंगे और फिर कर लेंगे। मैं कहा नहीं, अगर इसकी पूरी उम्र होगी, इसकी पूरी उम्र जितनी भी लाइफ स्पैन है इसका, ये प्रॉपर जिएगा, और जब इसकी एक नेचुरल डेथ होगी तो उसके बाद ना कोई डॉग खाएगा और ना कोई आदमी, इसको प्रॉपर तरीके से इसको मिट्टी दी जाएगी। सो ये बात हुई, तो इस तरह से सिचुएशन बनी। सो देखा दोस्तों आपने, तो यार उसके बाद राकेश आया, मोहित आया, उन सबको बताया मैंने, तो वो भी खुश हुए कि हमारे पास एक नया पेट आ गया। और भाई आप चाहे मेरे को, मतलब इस चीज को हिपोक्रेसी कह सकते हो, कुछ कह लो, कि मतलब आप कहोगे कि अपने डॉग्स को तो आप चिकन खिलाते हो, बट आप यूं कह रहे हो कि ये यूं नहीं खाना। देखो मैं एक नेचर के लॉ में बिलीव करता हूँ। नेचर का लॉ क्या है कि डॉग्स जो है ना वो वुल्फ से आए हैं। वुल्फ क्या होते हैं? कार्निवोरस एनिमल होते हैं। डॉग्स क्या होते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। उसको हम अपने सहूलियत के हिसाब से ढाल तो देते हैं, बट उनकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है भाई। अगर आप इनको डॉग्स को उनका जो नेचुरल डाइट है वो दोगे, उससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, इनकी पूरी उम्र बढ़ जाएगी। मानता हूँ हर बंदा नहीं दे सकता, इस वजह से फीड वगैरह आते हैं, जो ये पैकेज फीड होते हैं उसमें प्रॉपर क्वांटिटी होती है, तो आप वो दे सकते हो। मैं नहीं कहता, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, बट मैं ये बिलीव करता हूँ। ठीक है, और हाँ अगर मैं खुद के खाने के लिए करूँ ये चीज़ तो भी बात है,
पर मैंने भी भाई सच बताऊं मैं पहले कर लेता था कंज्यूम, मुझे नहीं पता था इन चीजों का। जब यार इनके साथ रहने लगा आज देखा कि ना यार ये चीज सही है, तो ऑलमोस्ट मुझे 8 से 9 महीने हो चुके मैंने कंज्यूम नहीं करा, ठीक है, और ये भी बहुत बड़ी बात है और ना मैं करूँगा बाकी, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान देना चाहिए भाई, और बस अब इसका नाम क्या रखना है ये बताओ, कल इसको नहलाएंगे, नाम बताना क्या रखना है। और हाँ, हमने इसको बचा लिया है और अब से ये हमारा पेट है और हमारे पेट डोमेस्टिक फार्म पे रहेगा। सो अपने चिकन का नाम क्या रखना है ये सारी आपकी फैमिली ने कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये मेरा डिसीजन कैसा लगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि डिसीजन भाई आपका अच्छा था, हमारा नया पेट कैसा लगा है। और भाई अगर थोड़ा भी अच्छा लगा ना तो जरूर शेयर करना इस वीडियो को, तो शेयर करना हर बंदे के पास जो मतलब उनको थोड़ी सी भी अगर यूं लगे कि हाँ भाई इस वीडियो से कोई और बंदा थोड़ी बहुत भी सीख जाए, इंसानियत आ जाए, तो यार अच्छा ही है ना, किसी ना किसी एक जानवर की भी जान बच जाएगी तो भी अपने लिए बहुत अच्छा है भाई। तो इसी भी बोलते रहते मेरे पीछे से। सो क्या करना है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, और ऐसी ऐसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन भर दो। और भाई इसके ऊपर और वीडियोस आने वाली है तो आप मुझे इसका नाम बता देना, और कल इसको नहलाएंगे भी और फिर अपने डॉग से भी नहलाएंगे, क्या रिएक्शन होगा भाई, बहुत मस्त मस्त वीडियोस आने वाली है, ठीक है। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, ओके बाय बाय।